हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेश। फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का पहली पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सवाल आए थे वो सब हम फुल डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आए थे। देखिए दोस्तों, सवाल आया था नो स्पिन। ओके, नो स्पिन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों, नो स्पिन नामक पुस्तक का लेखक है शेन वॉर्न। ये एक क्रिकेट प्लेयर हैं। ओके, शेन वॉर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल से सवाल आया था कि गोल्ड का परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 79। ओके, नेक्स्ट सवाल आया था कि गोवा के राज्यपाल कौन है, यानी गोवा के गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। कौन है? मृदुला सिन्हा। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, NaO का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ओके, उसका जो आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 होता है। ओके, सोडियम का 23 होता है ना, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 39। इसलिए 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को मिलाएंगे तो 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, NaO यानी सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 39 होता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आया था, दोस्तों इससे पहले आपको और एक बात बता दूं कि मैं अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के एजुकेटर हूं। वहां पे मैंने सिर्फ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, ओके, सब कुछ डाल दिया है। अभी हाल ही में मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड 250 क्वेश्चन डाल दिया है, जिसमें कि मैंने सारे अवार्ड्स, सारे जीके से रिलेटेड, मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके, सब कुछ डिस्कस किया है वहाँ पे। उसको जाकर तुरंत देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा सारा लेसन, सारा कोर्स को फ्री में देख सकते हैं। इसलिए अभी तुरंत जाइए और इसको देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, आई एन एस खंजर किस देश का दौरा हाल ही में पूरा किया? दोस्तों, ये आई एन एस खंजर ये एक मिलिटरी एक्सरसाइज है। माफ करना, हमारा इंडियन नाभी का, ओके, जो हमारा इंडियन नाभी है उसका एक वारशिप है, यानी एक बड़ा जहाज है। ओके, ये सब यूथ के लिए है। और दोस्तों, ये अभी हाल ही में म्यांमार, ओके, म्यांमार जो कंट्री है उसका दौरा हाल ही में पूरा किया है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, एशियाई खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बन गई है? दोस्तों, एशियाई खेल इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है राही सोनोबत। कौन है? राही सोनोबत। ऐसा समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आया था, एशियाई खेल से दो सवाल आए थे। एशियाई खेल 2018 में किसने टेनिस की महिला एकल स्पर्धा कांस्य पदक जीता है? अरे, यानी सवाल इस तरह के था कि 2018 में जो टेनिस में कौन सा महिला कांस्य पदक जीता है? अंकिता रैना इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, यस बैंक के सीईओ कौन है? राणा कपूर। ये भी काफ़ी बार आ चुका है, यस बैंक का सीईओ कौन है? राणा कपूर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2883 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तत्व का है? दोस्तों, ये किस तत्व का है ध्यान से देखिए, इस सबको पहले गिन लीजिए। 2+8 10 होता है, 10+8 18 होता है, 18+3 21 होता है, और 21 किसका एटॉमिक नंबर है? देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हाँ स्कैंडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 21 स्कैंडियम का है, इसका सही आंसर क्लोरीन नहीं स्कैंडियम होगा, SC। नेक्स्ट है दोस्तों, बजरंग पुनिया किस राज्य से हैं? आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया एक रेसलर हैं, ओके, एक यानी कुश्ती करते हैं। ये कौन सा राज्य से हैं? ये हरियाणा से हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, बस अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि इसी तरह का वीडियो जब अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बिना सर्च के आपके पास ये पहुँच जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि हाइड्रा, ओके, हाइड्रा किस तरह से विभाजित होता है? ये बायोलॉजी से सवाल था, बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर से। दोस्तों, हाइड्रा किस तरह से विभाजित होता है? ये दो प्रक्रिया से विभाजित होता है, एक है बडिंग, ओके, उसको बडिंग कहते हैं, दूसरा है रीजनरेशन। ओके, बडिंग इसका मतलब अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, पीरियडिक टेबल से भी 3-4 सवाल आए थे। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा ब्लॉक को पीरियडिक टेबल से बाहर रखा जाता है? ओके, पूरा पीरियडिक टेबल में से बाहर रखा जाता है कौन सा ब्लॉक को? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ओ ब्लॉक। ओके, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और ये जो पहला रो है इसको लैंथेनॉइड्स कहते हैं और इसको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। आए समझ में? बस दोस्तों, और एक सवाल आया था कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड में, ओके, पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में सबसे
ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है, ओके सबसे ऊपर कौन सा धातु होता है, ये सवाल आया था। तो ध्यान से देखिए, ये है लेफ्ट साइड, ओके ये है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर में कौन सा धातु है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, लिथियम, ओके लिथियम होगा। और कितने लोग के शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि राइट साइड में कौन सा, मतलब सबसे राइट साइड में कम कौन सा तत्व होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ओके सबको देख करके जाइए, मेरे हिसाब से पीरियोडिक टेबल का जो इमेज है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रोज़ थोड़ा देखा कीजिए, ओके इससे आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, कौन है हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट है, किसी भी लैंप में तेल किस प्रणाली से ऊपर चढ़ता है। दोस्तों किसी भी लैंप यानी जो लालटेन होता है उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है वो कौन सा प्रक्रिया में चढ़ता है, उसका नाम है कैपिलरी एक्शन। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था Na2CO3 10H2, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। ओके आईफा अवार्ड 2017 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया, ये दिया गया था शाहिद कपूर को, कौन सा मूवी के लिए, उड़ता पंजाब के लिए। ओके आईफा अवार्ड 2017 उनको दिया गया था। नेक्स्ट ये भी सवाल आया था कुछ कितने लोगों के शिफ्ट में, ये भी सवाल आया, देखिए आज 2017 का आईफा अवार्ड से सवाल आया है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि आईफा अवार्ड 2017 में बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, कितने लोगों के शिफ्ट में, ये भी पूछा गया था। ओके इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। ओके इनको भी उड़ता पंजाब के लिए ही मिला था। ओके उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट एक्टर भी मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखने से पहले आपको कुछ बात, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, ओके वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा। ओके क्योंकि दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो रोज का एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। उससे पहले आपको और एक बात बता दूं कि ये सारे टॉपिक यहां पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, इसी टॉपिक में से ही रोज सवाल आ रहे हैं आपको, तो मिनिमम 8-10 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। ओके ये सारा टॉपिक का पीडीएफ लगभग मिलाकर के 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलने वाला है। ओके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए आपको मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसको पूरा अपडेटेड किया गया है। ओके फुल पिक्चर के साथ इसको पूरा बनाया गया है। ओके तो जिन्होंने भी इसको अब तक बाय नहीं किए हैं तो इसको तुरंत बाय कर लीजिए, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ओके सारे टॉपिक आप अभी मैंने जो दिखाया 32 टॉपिक, ओके सॉरी 30 टॉपिक शायद, उन सबका टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा आईफा अवार्ड 2018 में। देखिए हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए ये आईफा अवार्ड 2017 में आ गए, फुल पिक्चर के साथ आपको मिलेगा। ओके इसी तरह से सारा टॉपिक का, सारे टॉपिक में से 30-40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ तो इसको तुरंत बाय कर लीजिए, खत्म हो गया है तभी भी बाय कीजिए, क्योंकि ये आपका RPF एग्जाम जो अभी आने वाला है कांस्टेबल का, और ग्रुप सी स्टेशन मास्टर का भी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके देखिए 20 रुपये काफ़ी कम होते हैं अगर किसी दूसरे से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो। देखिए किसी अगर किताब आप खरीद रहे हैं तो 200-300 रुपये ले रहे हैं, कोचिंग सेंटर में 1000 रुपये ले रहे हैं। देखिए टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है, ओके सिर्फ 20 रुपये में इसको तुरंत बाय कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सॉल्ट लेक स्टेडियम नहीं, ऊपर कुछ क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये सवाल आया था अहमदाबाद। ओके ट्विटर में हाइस्ट फॉलोअर किनका है, पीएम मोदी का है यानी हमारे नरेंद्र मोदी का है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है। सल्फर पीरियडिक टेबल में कहाँ मौजूद है, दोस्तों सल्फर ये लेफ्ट साइड में आता है या राइट साइड में आता है। देखिए पीरियडिक टेबल से बहुत सवाल आ रहे हैं। ओके पीरियडिक टेबल से मैं 101 MCQ जो ऑन अकेडमी में डाल दिया है उसको जाकर के अभी तुरंत देख लीजिए, सवाल उसी में से ही आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है 286, एक गलती से लिखा हुआ है। ओके इस सवाल कंप्लीट हो चुका है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों सवाल आया था कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में स्थित है। वन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, वन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं पोला हेकिंस, कौन है पोला हेकिंस। ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने डबल मेडल जीती है, जिसने मेडल जीती है, अरे पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने मेडल जीती है, इसका नाम सही हो जाएगा
करनामा मालेश्वरी, ओके करनामा मालेश्वरी ये मेडल जीती है, होगा डबल मेडल नहीं। और जो ओटावा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया, ये विराट कोहली को दिया गया है, ओके। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 किसको दिया गया, विराट कोहली को। लाभा के सीईओ कौन है दोस्तों, लाभा के सीईओ है विशाल सहगल, कौन है विशाल सहगल। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है दोस्तों, कौन सा कोशिका हमारा बॉडी का वो एंटीबॉडी बनाता है, उसका नाम है लिम्फोसाइट्स, ओके लिम्फोसाइट्स। एरिकस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, एरिकस सपोटा चीकू का वैज्ञानिक नाम है, ओके। नेक्स्ट सवाल है, देखिए बहुत सारे सवाल मिले हैं। अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से क्या होती है दोस्तों, अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से कम होती है, ओके। नेक्स्ट है, चलिए सवाल ठीक से पता नहीं, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 19, ओके। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 19, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। देखिए दिया गया था कि परमाणु क्रमांक किसी एक मतलब एलिमेंट का 17 है और उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसका हमें बताना था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, यह हमको बताना था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक प्लस जो एन है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो परमाणु संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, तो इसी फॉर्मूला में अगर आप इसको पुट करेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 17, ओके। देखिए आप इसको खुद देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 19, ऐसा समझ में। चलिए यानी इंग्लिश में इसको बोले तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो एक अलॉय है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, आयरन क्रोमियम और निकेल, लोहा क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है, ग्रुप टू के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। शुगर का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था दोस्तों, शुगर का केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन बी वन का वैज्ञानिक नाम थायमिन है, ओके। 148870 किस राज्य का पिन कोड है दोस्तों, ये पंजाब का पिन कोड है, ओके। ये पहले दो डिजिट ही मैटर करते हैं, जो जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ पे ये सब आपको मिल जाएगा, ओके। वहाँ पे पिन कोड का भी टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ पे फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तेजस्विनी योजना किस राज्य से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है, ओके। दोस्तों जिन्होंने भी मुझे अनअकैडमी में अब तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत अभी फॉलो कर लीजिए और मेरा सारा फ्री लेसन को वहाँ पे देख लीजिए, और जिन्होंने इस पीडीएफ को बाय नहीं किए हैं इसको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको आगे के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में मदद होगा, ओके। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, जितने लोगों ने इसको बाय किया है उन लोग अगर अपडेटेड वर्जन चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए, वहाँ पर